हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब बच्चों? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी हिंदी की कक्षा में, जो कि हमारी तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाय अमित पब्लिकेशन से आज आप कराने जा रहे हैं पाठ 13, जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है पाठ का, हमारे राष्ट्रीय व धार्मिक पर्व। स्वतंत्रता दिवस भारत में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उत्सव है, जो हर साल कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। ये उत्सव क्यों मनाया जाता है बच्चों, ये आपको बताना है और अवश्य बताना है, ठीक है? पाठ प्रवेश। भारत देश त्योहारों का देश माना जाता है। हमारे देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी के अपने अपने पर्व, अलग अलग पर्व एवं त्यौहार हैं। सभी त्यौहार हमें मिलजुल कर रहने व एक दूसरे की मदद करने का संदेश देते हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रत्येक वर्ष हम 1 जनवरी नववर्ष के रूप में मनाते हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार नववर्ष 1 जनवरी को नहीं बल्कि अप्रैल के शुरुआत में मनाया जाता है। कब? भारतीय पंचांग के अनुसार, भारतीय पंचांग के अनुसार जो हमारा नववर्ष है वो अप्रैल के शुरू में मनाया जाता है, शुरुआत में। हर प्रदेश और हर समुदाय के लोग इसे अलग अलग दिन अपने अपने तरीके से मनाते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगादि पर्व के रूप में नववर्ष मनाया जाता है। महाराष्ट्र में उस दिन गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। पंजाब के लोग बैसाखी को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। असम के लोग अपने पंचांग के पहले दिन बिहू पर्व के रूप में मनाते हैं। नवरोज पारसियों का नववर्ष पर्व है। हमारे देश में प्रकृति के प्रति बहुत सम्मान है। हमारे कई पर्व प्रकृति से संबंधित हैं। इनमें से प्रमुख पर्व है मकर संक्रांति। यह पर्व प्रतिवर्ष 14 जनवरी को उत्तर भारत में उत्साहपूर्व मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाते हैं। कहते हैं कि भीष्म पितामह ने इसी दिन अपना शरीर त्यागा था। इसी दिन किसान लोग अपने पशुओं की विशेष पूजा भी करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ना कि एक ही दिन को अलग अलग भारतीय धर्म में कैसे अलग अलग मनाया जाता है। केरल में इसे ओणम के रूप में मनाते हैं। ओणम के साथ राजा बलि और वामन अवतार की कथा जुड़ी हुई है। राजा बलि विशेष न्यायप्रिय और परम दानवीर थे। उनके शासन में प्रजा बहुत सुखी थी। केरल वासियों की ऐसी मान्यता है कि ओणम के दिन राजा बलि अपनी प्रजा को देखने आते हैं। प्रजा उनके स्वागत में घरों को खूब सजाती है। ओणम को फूलों का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन केरलवासी घरों के मुख्य द्वार पर सुंदर सुंदर फूलों की रंगोलियां सजाते हैं। सर्पाकार नावों की दौड़ इस त्यौहार का मुख्य विशेषता है। मतलब जो नाव है ना, सर्प के आकार की होती है और उसकी दौड़ होती है, रेस लगती है। धार्मिक पर्वों में रामनवमी पर्व भगवान रामचंद्र जी के जन्मदिन के रूप में, जन्माष्टमी पर्व श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्मदिन प्रतिवर्ष मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा महात्मा बुद्ध का जन्म दिवस है। इसी प्रकार जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का जन्मदिन महावीर जयंती के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा परमो धर्म का उपदेश दिया था। नानक जयंती का पर्व गुरु नानक देव जी की याद में मनाया जाता है। इसे गुरुपूरब भी कहा जाता है। और 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इन सभी धर्मों के महापुरुषों ने सेवा, त्याग और प्रेम का संदेश दिया था। दशहरा भी भारत का एक प्रमुख धार्मिक त्यौहार है। यह आश्विन मास में आता है। इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। विजयदशमी से 9 दिन पूर्व घर में माता दुर्गा की पूजा प्रारंभ होती है। उत्तर भारत में दुर्गा पूजा की शुरुआत के साथ ही जगह जगह रामलीला भी प्रारंभ हो जाती है। 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इसी दिन अयोध्यापति श्री राम ने लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध किया था। दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों में आग लगाई जाती है। इन्हीं दिनों बंगाल में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। दुर्गा पूजा बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। बंगाल का जो प्रमुख त्यौहार है बच्चों,
वो है दुर्गा पूजा। दीपावली झिलमिलाती रोशनी का विशेष पर्व है। ये कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इसी दिन श्री राम लंका के राजा रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या वासियों ने घी व तेल के दीपक जलाकर उनका हार्दिक स्वागत किया था। यह पर्व अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार पर बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। रात्रि के समय लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। इसके बाद प्रत्येक घरों में बच्चे धूम धड़ाके के साथ पटाखे चलाते हैं तथा वे अपने बड़ों के साथ घर घर जाकर मिठाइयाँ बाँटते हैं। देखिए कितना मज़ा आ रहा है, कितना सुंदर चित्र है। बच्चे जो हैं फुलझड़ी चढ़ा रहे हैं, नीचे चरखी जल रही है, माँ सुंदर सी बनी हुई है, इनके हाथ में क्या है, मिठाइयाँ हैं, और ये जो बहन है इसके हाथ में दिया जल रहा है, और पापा के हाथ में भी कुछ उपहार है। तो ऐसे दीपावली के त्यौहार पर बच्चों का उत्साह सही में सच में बहुत ही देखते ही बनता है। रात्रि के समय लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। इसके बाद प्रत्येक घरों में बच्चे धूम धड़ाके के साथ पटाखे चलाते हैं तथा वे बड़ों के साथ घर घर जाकर मिठाइयाँ भी बाँटते हैं। फागुन का महीना आते ही बसंत पंचमी और होली की मस्ती का रंग चढ़ने लगता है। होली रंगों का त्यौहार है। ब्रज की होली बहुत प्रसिद्ध है। फागुन मास की पूर्णिमा की रात को होली जलाई जाती है और अगले दिन रंग गुलाल से होली खेली जाती है। होली के अवसर पर लोग अपने मतभेद भुलाकर प्रेम से गले मिलते हैं, नाचते गाते हैं और मस्ती करते हैं। होली के साथ प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मरवाना चाहता था, अतः उसने अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाकर जलाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान के आशीर्वाद एवं कृपा से क्या हुआ, प्रहलाद तो बच गया, परंतु होलिका जो थी वो आग में भस्म हो गई, मर गई। भारत के प्रत्येक पर्व के साथ लोक कथाएं जुड़ी हैं। भारत के पर्वों में लोक नृत्यों का भी प्रचलन है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य बोनालू और लोकगीत बतकम्मा तथा उत्तर भारत की रासलीला व नौटंकी प्रसिद्ध है। गुजरात में गरबा, पंजाब में भांगड़ा आदि नृत्य प्रसिद्ध हैं। अब मुस्लिम भाइयों के पर्वों का उल्लेख करना विशेष रूप से आवश्यक है। मुस्लिम भाई साल में 3 ईद मनाते हैं। एक ईद को ईद उल फितर अर्थात मीठी ईद, दूसरी को ईद उल जुहा अर्थात बकरीद कहते हैं, तीसरी ईद मिलाद उन नबी है जो हज़रत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। इसके अतिरिक्त वे हसन हुसैन की याद में एक त्यौहार मुहर्रम के रूप में भी मनाते हैं। हमारे भारतवर्ष में कई पर्व ऐसे हैं जो महापुरुषों के जन्मदिन के रूप में भी मनाए जाते हैं। इन महापुरुषों ने हमें जो मार्ग दिखाया उससे हमें प्रेरणा मिलती है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में देश भर में मनाया जाता है। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्हें सारे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इन पर्वों को हम राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। इसके अतिरिक्त 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार भारतवर्ष में प्रति माह कोई ना कोई पर्व अवश्य मनाया जाता है। अलग अलग त्योहारों की रंग बिरंगी छटा से जीवन में सरसता का एहसास बना रहता है। इसलिए भारत देश को पर्वों का देश भी कहा जाता है, यानी त्योहारों का देश भी कहा जाता है। हमारी संस्कृति के गौरवमय इतिहास को उन्नत बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि हम नैतिक मूल्यों का कभी भी पतन ना होने दें व बिना किसी धार्मिक भेदभाव के एक दूसरे की मदद करें। सभी दिलों में परोपकार की भावना विराजमान रहे। तो बच्चों, ये था हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के मुख्य त्यौहार, हमारे देश के राष्ट्रीय त्यौहार, हमारे देश के त्यौहार। और हमने ये भी देखा ये त्यौहार किसी ना किसी कथा से, किसी ना किसी से जो है प्रचलित हैं, लगे हुए हैं। और अब हम करने जा रहे हैं कठिन शब्द, तीर्थकर, झिलमिलाती, जन्माष्टमी, भीष्म, कुंभकर्ण, प्रहलाद, क्रिसमस, हिरण्यकश्यप, महाराष्ट्र और फागुन। और अब आ रहे हैं शब्दार्थ, स्वतंत्रता यानी आज़ादी, पुतला यानी आकृति, नववर्ष यानी नया साल, वध, हत्या या मर मारना, अंधकार, अंधेरा, विविधता, अनेकता, पर्व का अर्थ त्यौहार, उल्लेख यानी वर्णन,
मास महीना अत्याचारी यानी जुल्म करने वाला, रात्रि रात और जयंती का अर्थ है जन्मदिन। और अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है भारत पंचांग के अनुसार नववर्ष कब मनाया जाता है। भारतवर्ष के अनुसार, भारत पंचांग के अनुसार नववर्ष हमारा अप्रैल के शुरुआत में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्यौहार तमिलनाडु व केरल में किस रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्यौहार तमिलनाडु में पोंगल और केरला में ओणम के रूप में मनाया जाता है। केरल में ओणम पर्व को किसी अन्य नाम से भी जानते हैं तथा इस त्यौहार की मुख्य विशेषता क्या है। केरल में ओणम पर्व को अन्य किस नाम से जानते हैं, केरल में ओणम को जो है फूलों का त्यौहार, फूलों का पर्व भी कहा जाता है। और उस दिन माना जाता है कि इनके जो राजा बलि थे वो वेश बदल कर आते हैं और अपनी प्रजा का हाल देखते हैं, तो उनके स्वागत के लिए वहाँ के लोग जो हैं अपने द्वार को, अपने घर के द्वार को फूलों से सजाते हैं, फूलों की रंगोली बनाते हैं। बंगाल का मुख्य त्यौहार कौन सा है तथा ये कब मनाया जाता है। बंगाल का मुख्य त्यौहार दुर्गा पूजा है और ये जो है, ये दुर्गा पूजा जो है ये भी दशहरे से पहले दशमी के दिन मनाया जाता है। और अब हम करने जा रहे हैं सही विकल्प पर सही का चिन्ह। बाल दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर, 12 नवंबर, 14 नवंबर या 5 नवंबर। 14 नवंबर। मिलाद उन नबी के रूप में किसका जन्मदिन मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद साहब, महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, बी आर अम्बेडकर, हजरत मोहम्मद साहब। पंजाब के लोग किसे नववर्ष के रूप में मनाते हैं। उगादी, बैसाखी, पोंगल या होली। बैसाखी। दिवाली पर रात्रि के समय पूजा की जाती है लक्ष्मी गणेश की, राधा कृष्ण की, सीताराम की या होलिका की। लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। और अब हम चले क्या करने के लिए, अब हम करने जा रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। और सबसे पहले है कार्तिक मास की अमावस्या को क्या मनाई जाती है। दीपावली। फागुन के मास में होली का त्यौहार आता है। भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। 2 अक्टूबर का दिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने किया रिक्त स्थानों की पूर्ति। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। फागुन के महीने में होली का त्यौहार आता है। भारत को त्यौहारों का देश भी कहा जाता है। 2 अक्टूबर का दिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और जन्माष्टमी पर कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और अब हम चल रहे हैं आगे, और अब है पाठ के आधार पर पर्व में प्रचलित लोक नृत्य व लोकगीत के बारे में। आंध्र प्रदेश में है बोनालू और बतकम्मा, ये है यहाँ के लोक नृत्य व लोकगीत। उत्तर भारत में है नौटंकी और रासलीला। गुजरात में है गरबा, डांडिया और पंजाब में है भांगड़ा और गिद्दा। ये थे हमारे पाठ के आधार पर प्रचलित लोक नृत्य व लोकगीत। वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह। भारतीय पंचांग के अनुसार नववर्ष जनवरी में मनाया जाता है। जी नहीं। पंजाब के लोग बैसाखी को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। जी हाँ। रामचंद्र जी रामनवमी को रामचंद्र जी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। जी हाँ। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। जी हाँ। और 14 दिसंबर को बाल दिवस, बिल्कुल गलत है, 14 दिसंबर नहीं, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो अभी हमने किया था और अब हम जा रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। मुस्लिम भाइयों के पर्वों का उल्लेख करो। मुस्लिम भाइयों के त्यौहार होते हैं ईद उल फितर, ईद उल जुहा और ईद मिलाद। एक मीठी ईद होती है, एक बकरीद होती है और दूसरे एक और जो ईद होती है उसमें इनके हज़रत मोहम्मद साहब का
जन्मदिन होता है और एक ये मनाते हैं मुहर्रम का त्यौहार। होली के संबंध में कौन सी पौराणिक कथा प्रचलित है? होली के संबंध में है कि होलिका जो थी, प्रहलाद जो था वो प्रहलाद को हिरण्यकश्यप मारना चाहता था, तो होली वाले दिन प्रहलाद की बुआ होलिका उसको गोद में लेके बैठ गई, क्योंकि उसको आग में ना जलने का वरदान था, किंतु प्रभु की कृपा से होलिका तो जल गई लेकिन मर गई, और जो प्रहलाद था, भक्त प्रहलाद, वो बच गया। तो इस तरह से होली का त्यौहार मनाया जाता है, ये उसकी कथा प्रचलित है। हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से? हमारे राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती एवं जो है 14 नवंबर यानी कि बाल दिवस। महात्मा बुद्ध एवं भगवान महावीर के बारे में पाठ के आधार पर कुछ बताओ। महात्मा बुद्ध का जन्म इसीलिए महात्मा बुद्ध के जन्मदिन को हम बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा, और भगवान महावीर जो जैन के 24वें तीर्थकर हैं उनके जन्मदिन को हम मनाते हैं महावीर जयंती के रूप में, जिन्होंने उपदेश दिया था अहिंसा परमो धर्मा। क्रिसमस कब और किस रूप में मनाया जाता है? क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। उस दिन ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म था, और उसी दिन जो ईसाई धर्म के लोग हैं वह क्रिसमस मनाते हैं, बहुत धूमधाम से चर्च जाते हैं, प्रेयर करते हैं, उसके बाद केक बनाते हैं और एक दूसरे को उपहार स्वरूप देते हैं। तो बच्चों, इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपने इस पाठ के माध्यम से अपने देश के और दूसरे त्यौहारों के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। तब तक के नए पाठ के साथ आते हैं, तब तक के लिए आभार।